हेलो नेगी सोल्जर्स। तो बेटा गेट 2025 रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। गेट 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन ब्राउजर रिलीज कर दिया गया है। चलो मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूं इंफॉर्मेशन ब्राउजर में क्या क्या है क्विकली। तो बेटा ये है इंफॉर्मेशन ब्राउजर, कुछ इस तरीके से दिखता है। और जैसा कि IIT रुड़की ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है तो उसका लोगो आपको दिख रहा होगा। डेट ऑफ रिलीज August 14, 2024। सबसे पहले उन्होंने लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन दिया है, ये चीजें तो आपको पता है। यस, हाइलाइट्स ऑफ गेट 2025। IIT रुड़की इज द ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट फॉर गेट 2025। वेबसाइट की डिटेल दी है। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन में 1st, 2nd, 15th and 16th February 2025। एग्जाम विल बी हेल्ड इन टू सेशंस, फोरनून एंड आफ्टरनून ऑन दीज डेट्स। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। देयर विल बी अ टोटल ऑफ 30 पेपर्स, यानी कि गेट 2024 30 पेपर्स में हुआ था, ये भी 30 पेपर्स में हो रहा है। तो कोई एडिशन नहीं हुआ है नए पेपर का इस साल। लास्ट ईयर DA का पेपर ऐड हुआ था। और यहां पर लिखा है MCQ, MSQ, NET टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर क्लियरली बोल रहा है, कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अपीयर फॉर 1 or 2 टेस्ट पेपर्स ओनली। या तो आप एक टेस्ट पेपर से गेट 2025 लिख सकते हैं या फिर 2 टेस्ट पेपर से आप लिख सकते हैं। द 2 टेस्ट पेपर कॉम्बिनेशन मस्ट बी चूजन फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट पेपर्स। तो जो उन्होंने कॉम्बिनेशन दिए हैं वहीं से ही हमको सेकेंड पेपर का ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है एग्जामिनेशन फॉर सम टेस्ट पेपर्स मे बी हेल्ड इन मल्टीपल सेशंस, जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा एनरोल करते हैं, अप्लाई करते हैं, वहां पर मल्टीपल सेशंस में होता है। लास्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का, सिविल का 2 सेशंस में हुआ था। अ कैंडिडेट हु इज करंटली स्टडिंग इन 3rd और हायर ईयर्स ऑफ एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम और हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड एनी गवर्नमेंट अप्रूव डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर साइंस कॉमर्स आर्ट्स ह्यूमैनिटीज इज एलिजिबल टू अपीयर फॉर गेट 2025 एग्जामिनेशन। 3rd ईयर्स वाले एलिजिबल हैं। और क्या बोल रहा है, एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली थ्रू द गेट 2025 वेबसाइट। तो ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहां पर इन्होंने डेट्स दी हैं, एक इन्होंने ये पॉइंट भी डाल दिया है, द डेट्स मेंशन्ड बिलो आर लाइबल टू चेंज, बट बहुत कम चांस हैं कि चेंज होंगी ये डेट्स। एग्जामिनेशन डेट्स जैसा कि आप लोग को पता भी होगा, मैंने कई बार आपको बताया है, 1st of Feb, 2nd of Feb, 15th of Feb, 16th of Feb, इस बार बीच में एक गैप आ गया है। कब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, बेटा ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देख लेना। ओपनिंग डेट उन्होंने दी है 24th of August और जो क्लोजिंग डेट है 26th of September है। तो मतलब एक महीने से भी ज्यादा का टाइम है आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, तो आप टाइम पर फिल कर लेना। एक्सटेंडेड पीरियड वगैरह का है बट वहां तक आपको जाना नहीं है। बाकी एप्लीकेशन फी, उम्मीद करता हूँ आप लोग अगर मैकेनिकल बैकग्राउंड के हैं तो ME+XC का कॉम्बिनेशन आप लोग बना रहे होंगे, 2 पेपर से आप लिखना चाह रहे होंगे, तो यार एप्लीकेशन फी थोड़ा ध्यान से देख लेना। जो भी मैं एप्लीकेशन फी बता रहा हूँ आपको पर टेस्ट पेपर है। फीमेल SC ST PWD रेगुलर पीरियड में 900 है। अगर आप 26th of September के बाद फॉर्म भरना चाह रहे हो तो आप एक लिमिटेड टाइम तक भर सकते हो, बट आपको ₹500 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फिर पर टेस्ट पेपर फीमेल SC ST PWD के लिए 1400 हो जाएगा। इनके अलावा जितनी भी अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पर टेस्ट पेपर रेगुलर पीरियड में 1800 है, एक्सटेंडेड पीरियड में 2300 है। तो अदर कैंडिडेट्स में कौन कौन आ गए, जनरल कैटेगरी है ना, EWS वाले आ गए, OBC नॉन क्रीमी लेयर आ गए, तो उनके लिए पर टेस्ट पेपर रेगुलर पीरियड में 1800 है। यानी कि अगर आप ME+XC से लिखना चाह रहे होंगे तो 1800 + 1800 3600 आपको टोटल फीस लगने वाली है। इसके बाद उन्होंने पैटर्न के बारे में बताया, हम लोग को पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 3 घंटा ड्यूरेशन है। टोटल टेस्ट पेपर 30 जैसा कि मैंने बताया, जनरल एप्टीट्यूड है और जो भी आपने अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा वो है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में वही MCQ, MSQ, NET है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के रहेंगे, 55 क्वेश्चन सब्जेक्ट के रहेंगे, टोटल 65 क्वेश्चंस।
और यहाँ पर उन्होंने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है। जनरल एप्टीट्यूड आपका 15 मार्क्स का है, मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका 13 मार्क्स का है, और जो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो 72 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ बेटा, जो मैकेनिकल का टोटल पेपर है वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड होता है, मतलब मैं मैकेनिकल के टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, थर्मल वाला सेक्शन, डिजाइन वाला सेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्शन, तो तीनों का ही वेटेज 24, 24, 24, टोटल 72 मार्क्स होता है। ठीक है, एक्सी के लिए थोड़ा सा चेंज है। एक्सी के लिए क्या है, आपका एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का है, मैथमेटिक्स भी 15 मार्क्स का है, और बाकी के दो सेक्शन जो आप चूज करेंगे वो 35 ईच, यानी कि टोटल 70 मार्क्स के हैं। जो मार्किंग स्कीम है, क्वेश्चंस आपके 1 मार्क के रहने वाले हैं, 2 मार्क के रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी थोड़ा डिटेल दिया है यहाँ पर। फॉर अ रॉन्ग आंसर चूजन इन एमएसक्यू देर विल बी नेगेटिव मार्किंग, अगर आप कोई रॉन्ग आंसर चूज करते हो एमएसक्यू का तो नेगेटिव मार्किंग होगी। 1 मार्क के एमसीक्यू के लिए 1/3 विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, 2 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए 2/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर टू एमएसक्यू एंड एनईटीज, है ना। तो एनईटीज के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एमएसक्यू के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान में रखना, कोई पार्शियल मार्किंग भी नहीं है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीजें इन्होंने दी हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन वगैरह दिया है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं फटाफट से आप लोगों को बता देता हूं। यहां पे इन्होंने इस टेबल में जोन वाइज डिटेल दी है, टोटल कितने जोन है, टोटल 8 जोन है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिंग इंस्टीट्यूट्स का दिया है, उनकी वेबसाइट दी है। बाकी मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था, इस बार इन्होंने पीएसयू के नंबर्स काफी बढ़ा दिए हैं, मतलब जो नाम वो छापते हैं वो काफी बढ़ा दिए हैं। ठीक है, देखो यहां पर मैं बोल रहा था यूज ऑफ गेट स्कोर फॉर एम्प्लॉयमेंट ना, तो इसमें इन्होंने जो नेम्स हैं पीएसयू के वो काफी बढ़ा दिए, पहले कम थे। ठीक है, आप देखो इन्होंने वही चीजें यहां पर फिर से बताई हैं अबाउट के 2025 में, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहां पर मुझे कोई नई चीज नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, यहां पर देखो बेटा, अच्छा टाइमिंग्स देखो, फोरनून वाला जो सेशन है 9:30 AM to 12:30 PM है, आफ्टरनून वाला 2:30 PM to 5:30 PM है, और इन्होंने रिजल्ट की डेट भी अब ऐड कर दी है, अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स इन द गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम गो एप्स वेडनेसडे 19 मार्च 2025 को रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। स्कोर कार्ड के लिए भी इन्होंने बता दिया है कि 28 मार्च से 31 मई तक आप स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बाद अगर आपको स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है तो फिर आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी 500। 1 जून से 31 दिसंबर 2025 तक आप स्कोर कार्ड एक्स्ट्रा फीस देकर डाउनलोड कर सकते हैं, तो स्कोर कार्ड आप लोग संभाल के रखना पीडीएफ, क्योंकि यूज होगा वो फ्यूचर में। ठीक है, और कुछ कुछ चीजें, एलिजिबिलिटी आप लोगों को मेक श्योर करनी है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं। थर्ड ईयर वाले एलिजिबल हैं, फोर्थ ईयर वाले एलिजिबल हैं, जो लोग अभी फोर्थ ईयर में हैं, है ना, पास आउट एलिजिबल हैं। देखो यहां लिखा है करंटली इन थर्ड ईयर और हायर और ऑलरेडी कंप्लीटेड एलिजिबल हैं। Yes. जो टोटल 30 टेस्ट पेपर्स हैं गेट 2025 के लिए उनका पूरा डिटेल यहां पे दिया है, और मैकेनिकल का आप देख सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोड है ME, इंजीनियरिंग साइंसेस कोड है XE। XE में इन्होंने स्टार इसलिए बना रखा है, इसकी कुछ डिटेल्स दी होंगी, देखो यहां पर डिटेल्स दी हैं। XEA इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंपलसरी है 15 मार्क्स का, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये टोटल 7 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी दो ऑप्शन चूज करके आपको लिखना है। तो जो मैकेनिकल बैकग्राउंड के हैं उनके लिए जो मोस्ट पॉपुलर ऑप्शंस हैं XEB, XED, XEE, फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो यहां पर उसने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ध्यान से देखना,
Each subject test paper is of 100 marks, general aptitude 15 marks का है और ये common है सारे test paper में, इसका syllabus same है हर test paper के लिए. Hence remaining 85 marks are for the respective subject test paper code. अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, note 4.5 CE, CS and ME test papers, civil, computer science and mechanical के test papers के लिए important point है. Examination may be conducted in multiple sessions, है ना. अगर by chance mechanical में ज़्यादा बच्चे form भरते हैं तो ऐसा हो सकता है कि mechanical का जो आपका gate 2025 का paper हो, exam हो, वो दो slot में हो, और अगर दो स्लॉट में जाता है तो फिर नॉर्मलाइजेशन वगैरह सब पिक्चर में आ जाएंगी. हाउएवर अ कैंडिडेट इज अलाउड टू अपीयर इन ओनली वन स्पेसिफाइड असाइंड सेशन बाय गेट कमिटी, ऑफ कोर्स. ठीक है, और दो पेपर के कॉम्बिनेशन का डिटेल्स भी दिया हुआ है बेटा, ये आप देख सकते हो पूरा डिटेल है. अगर मैं स्पेसिफिकली मैकेनिकल के लिए बात करूं तो मैकेनिकल के लिए जो कॉम्बिनेशन है सेकेंड पेपर के, वो टोटल 6 कॉम्बिनेशंस दिए हैं उन्होंने मैकेनिकल के साथ, जो आप बना सकते हो. मैकेनिकल एरोस्पेस का, मैकेनिकल डीए का, मैकेनिकल आईएन का, इंस्ट्रूमेंटेशन का, मैकेनिकल एनएम का, मैकेनिकल पीआई का, मैकेनिकल एक्सी का. और ये चीज़ हम लोग को पता है कि ऑफ कोर्स मैकेनिकल के लिए एक्सी वाला काफ़ी पॉपुलर कॉम्बिनेशन है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बता दिया है मार्क्स का. अब इन्होंने यहाँ पर जो टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज हैं वो भी दी हैं, तो आप देख लेना आपको कौन सा सिटी आपके आसपास पड़ रहा है ना. एप्लीकेशन फीस मैंने बताई दी है. रेगुलर पीरियड में फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 900 रुपीज पर टेस्ट पेपर है, ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए यानी कि जनरल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के लिए 1800 रुपीज है. ना ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं. गेट 2025 प्रोवाइड्स एन ऑनलाइन इंटरफेस टू द कैंडिडेट्स फॉर इंटरेक्टिंग विद द गेट एडमिनिस्ट्रेशन. विद दिस इंटरफेस अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन. आप अपना फोटो अपलोड कर सकते हो, है ना, अपना स्टेटस चेक कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड और आंसर, अपने आंसर देख सकते हो, मार्क्स आपको दिख सकते हैं, है ना, गेट का स्कोर आपको दिख जाएगा और डाउनलोड कर सकते हो आप गेट का स्कोर कार्ड. अच्छा, आप देखो रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है तो आप लोग एक चीज देख लेना, ईमेल एड्रेस आपके पास एक प्रॉपर ईमेल एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि इसी पर ही सारे के सारे कम्युनिकेशन जाएंगे गेट ऑफिस की तरफ से, और एक यूनिक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए. बाकी आईडी और पासवर्ड की उसने डिटेल्स दी हैं कि लेंथ ऑफ द पासवर्ड शुड बी 8-15 कैरेक्टर्स. अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डेटा रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म. एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए क्या क्या डेटा का रिक्वायर्ड होगा. पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल मोबाइल नंबर, पेरेंट्स नेम, पेरेंट्स मोबाइल नंबर वगैरह चाहिए होंगे, है ना. अब प्लीज नोट दैट नेम ऑफ द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी एग्जैक्टली द सेम एज दैट इन द वैलिड फोटो आईडी. जो आप फोटो आईडी का नंबर देने वाले हो, फोटो आईडी का जो नंबर दोगे आप, उसकी जो डिटेल्स दोगे, उसमें जो भी आपका नाम है सेम वैसा ही आपको फिल करना है ना एप्लीकेशन फॉर्म में, क्योंकि ये जो फोटो आईडी है ये आपको ओरिजिनल में लेकर जानी पड़ेगी गेट 2025 एग्जामिनेशन सेंटर में. आपको एड्रेस पर कम्युनिकेशन डालना होगा, है ना, तो ये एड्रेस वाला पार्ट भी थोड़ा ध्यान से देखना. अगर आप हो सके तो जो आपका घर का एड्रेस है वही देना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हॉस्टल्स वगैरह के लिए जब वो डॉक्यूमेंट, वैसे तो कोई डॉक्यूमेंट डिस्पैच नहीं करेंगे, बट बाई चांस अगर कोई होता है तो हॉस्टल वगैरह में मिसप्लेस हो जाते हैं, बट पिछले काफ़ी सालों से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट वो डिस्पैच नहीं कर रहे हैं. एलिजिबिलिटी, डिग्री की डिटेल्स चाहिए होंगी, है ना, कॉलेज का नाम, कॉलेज का एड्रेस विथ पिन कोड. जो भी आप टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन सिटीज का डिटेल्स चाहिए होगा जो आप वहां पर फिल कर रहे होंगे, है ना, तो ये पहले से देख लेना कि कौन सा नियर बाय है. हाई क्वालिटी इमेज ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ कंफर्मिंग टू द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड. यहां पर ना थोड़ी सी परेशानी होती है,
तो पहले से ही आप जो फोटो का प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट है कि इतने साइज का होना चाहिए, इतने पिक्सल्स का होना चाहिए, इस बैकग्राउंड में होना चाहिए, तो पहले से रेडी रख लेना आप लोग। गुड क्वालिटी इमेज ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर, सिग्नेचर चाहिए होंगे आपको, फोटो और सिग्नेचर दोनों, है ना। स्कैंड कॉपी ऑफ वैलिड फोटो आईडी डॉक्यूमेंट। अच्छा, जो फोटो आईडी की डिटेल्स आप भरोगे तो उसकी स्कैंड कॉपी भी लगेगी, और सेम आईडी आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जाना है। अच्छा, एक और चीज बेटा, एक और चीज मैं यहाँ पर बता दूँ, ये काफी कंफ्यूजन होता है कि सर मैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो क्या मुझे सर्टिफिकेट का पीडीएफ अभी अपलोड करना पड़ेगा, या मैं ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो क्या मुझे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अभी अप्लाई करना पड़ेगा? नॉट रिक्वायर्ड। ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के केस में अभी जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको पीडीएफ अपलोड नहीं करनी है। हालांकि एससी एसटी के केस में और पीडब्ल्यूडी के केस में आपको स्कैंड कॉपी अप्लाई करनी पड़ेगी। उसका रीजन ये है कि आपको ना एप्लीकेशन फी में रिबेट मिल रहा है। एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए आपने देखा होगा फीस 900 रुपीज पर पेपर है, तो आपको वहां रिबेट मिल रहा है, तो उसकी वजह से आपको ये पीडीएफ अपलोड करना पड़ेगा। बाकी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी जैसे भी आप फी पे करोगे तो उसकी डिटेल अपने पास हैंडी रेडी रखना है ना। ठीक है, और डिक्लेरेशन वगैरह के लिए चीजें लिखी हुई हैं। देखो, बार बार ना आईडी प्रूफ को लेकर काफी कंसर्न है, आईडी प्रूफ को लेकर काफी बार उन्होंने मेंशन किया हुआ है, कैंडिडेट्स हैव टू स्पेसिफाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वैलिड फोटो आईडी डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस एंड एंटर डॉक्यूमेंट नंबर स्पेसिफाइड। अब देखो, वो क्लियरली बोल रहे हैं कि कौन कौन से फोटो आईडी एलिजिबल हैं जिनका डिटेल्स आप फिल कर सकते हो। आधार यूआईडी, आधार वर्चुअल आईडी, गवर्नमेंट इशूड आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। और यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बोला कि जो आधार यूआईडी है वो प्रेफरेबल है। हालांकि आप आधार वर्चुअल आईडी, गवर्नमेंट इशूड आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इनका डिटेल्स भी भर सकते हो। कॉलेज की आईडी बेटा अलाउड नहीं है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, कॉलेज की आईडी इज नॉट अलाउड। और जो भी आईडी की डिटेल्स आप भरोगे वो आपको ओरिजिनल लेकर जानी पड़ेगी। चलो, और कुछ अगर ऐसी डिटेल है, देखो फोटो आईडी का फिर उन्होंने जिक्र कर दिया। एससी एसटी का सर्टिफिकेट लगेगा, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लगेगा। फोटो की रिक्वायरमेंट में ध्यान से सुन लो, गुड क्वालिटी की फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ ऑफ पासपोर्ट साइज विद द फेस ऑफ द कैंडिडेट कवरिंग 60-70% ऑफ द फोटोग्राफ, है ना। 60-70% कैंडिडेट का फेस होना चाहिए उस स्पेस में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज अंडरस्टैंड, द बैकग्राउंड ऑफ द फोटोग्राफ मस्ट बी वाइट। क्योंकि इसको लेकर ना आप क्या करते हो, आप रैंडमली फोटो अपलोड कर देते हो, फिर आप परेशान रहते हो कि सर मेरा एप्लीकेशन फॉर्म कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो अभी से ही उन्होंने बता दिया है कि भाई फोटोग्राफ का बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए, ठीक है। बाकी उन्होंने बहुत सारे यहां पर आपको इमेजेस दिए हैं जो एक्सेप्टेबल हैं, तो ये आप देख लेना। नेगेटिव टेलीग्राम चैनल में मैं पीडीएफ अपलोड भी कर दूंगा। सिमिलरली उन्होंने सिग्नेचर्स के लिए भी डिटेल्स दी हैं, और क्लियरली बोल रहा है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी इन ब्लैक और डार्क ब्लू कलर इंक ओनली। तो जब आप सिग्नेचर कर रहे हो, मेक श्योर कि या तो आप ब्लैक इंक यूज कर रहे हो या फिर डार्क ब्लू इंक यूज कर रहे हो। देखो, एक्सेप्टेबल सिग्नेचर के उन्होंने कुछ सैंपल्स दिए हैं। एडमिट कार्ड के बारे में भी बता दिया कि कब रिलीज होंगे। एडमिट कार्ड्स कैन ओनली बी डाउनलोडेड फ्रॉम गेट 2025 वेबसाइट फ्रॉम 2 जनवरी 2025।
तो 2nd of January से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। वर्चुअल कैलकुलेटर आपके पास रहेगा, अब वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर विल बी अवेलेबल। अ स्क्रिबल पैड विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट फॉर रफ वर्क। रफ वर्क के लिए आपको स्क्रिबल पैड मिलने वाला है। अच्छा, एक और चीज, आपको ये भी डाउट रहता है कि सर क्या मुझे दूसरा स्क्रिबल पैड मिलेगा अगर पहला वाला भर गया। यहाँ पे कंडीशन है, आपको दूसरा वाला स्क्रिबल पैड मिल सकता है, लेकिन आपको जो पहला वाला था वो वापस करना पड़ेगा। देखो लिखा है, बिफोर, देखो, द कैंडिडेट कैन पोजेस ओनली वन स्क्रिबल पैड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बिफोर टेकिंग द सेकेंड स्क्रिबल पैड इफ रिक्वायर्ड द फर्स्ट स्क्रिबल पैड मस्ट बी रिटर्न टू द इन्विजिलेटर। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान में रखना। सिलेबस पहले उन्होंने रिलीज कर दिया था, तो उसके लिंक्स वगैरह भी दिए हुए। एग्जाम का ड्यूरेशन 3 घंटा। अ कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू लॉग इन आफ्टर 30 मिनट्स फ्रॉम द स्केड्यूल्ड स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो जो भी स्केड्यूल्ड टाइम है एग्जामिनेशन के स्टार्ट होने का, उसके 30 मिनट बाद आप लॉग इन नहीं कर पाओगे। तो कुल मिला के वो ये बोलना चाह रहे हैं कि आप एग्जामिनेशन हॉल टाइम पर पहुंचो और टाइम पर अपना पेपर स्टार्ट करो। कुछ उन्होंने सैंपल्स दिए कि किस तरीके के मतलब किस तरीके से MCQ, MSQ, NAT पूछे जाएंगे, तो उसके कुछ सैंपल्स दिए। हालांकि उनका कोई बहुत बड़ा मतलब है नहीं आपके लिए। मैथमेटिक्स 13 मार्क्स का है, मैकेनिकल के पेपर के लिए। एक्सी के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मैथमेटिक्स कंपलसरी है। एप्टीट्यूड 15 मार्क्स, मैथमेटिक्स 15 मार्क्स, और बाकी के जो सेक्शंस हैं उनमें से आपको 2 सेक्शन चूज करके लिखना है। यहाँ पे फिर उन्होंने बताया गेट स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, उसकी डिटेल्स बताइए, है ना। देखो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आफ्टर द इवेल्युएशन ऑफ द आंसर्स द एक्चुअल रॉ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर कंप्यूटिंग द गेट स्कोर। ठीक है, जो आपके रॉ मार्क्स होंगे वो कंसिडर किए जाएंगे। इन केस आपका सिंगल, आपका जो पेपर है, आपकी जो ब्रांच का पेपर है, आपका जो टेस्ट पेपर है, वो सिंगल सेशन में कंडक्ट होता है। इन केस कोई ब्रांच है, कोई पेपर है जो कि मल्टीपल सेशन में कंडक्ट हुआ है, रॉ मार्क्स ऑब्टेंड बाय द कैंडिडेट्स इन द डिफरेंट सेशंस विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मलाइज्ड मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। दस रॉ मार्क्स फॉर सिंगल सेशन टेस्ट पेपर्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स फॉर मल्टी सेशन टेस्ट पेपर्स विल बी यूज फॉर कंप्यूटिंग द गेट स्कोर। अब जिन भी टेस्ट पेपर का एक सिंगल सेशन में हो रहा है उनके तो रॉ मार्क्स ही यूज होंगे गेट स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन जिनका भी मल्टीपल में हो रहा है, जैसे लास्ट ईयर सिविल का हुआ था, कंप्यूटर साइंस का होता है, उनके केस में नॉर्मलाइज्ड मार्क्स यूज होंगे गेट के स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए। मैकेनिकल का लास्ट ईयर सिंगल स्लॉट में कंडक्ट हुआ था। रिजल्ट के बारे में इन्होंने बता ही दिया है कि रिजल्ट आपका मार्च में 19th of March को रिलीज होगा, और ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो गेट 2025 का स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड है। अच्छा, देर इज नो प्रोविजन फॉर द इशू ऑफ हार्ड कॉपीज ऑफ द गेट स्कोर कार्ड। जो सॉफ्ट कॉपी है वही फुल एंड फाइनल है, कोई हार्ड कॉपी आपको इशू नहीं होगी। पर एक और चीज इन्होंने बोल दिया कि भाई 1 जनवरी 2026 ऑनवर्ड्स इट इज इम्पॉसिबल फॉर इट इज इम्पॉसिबल टू जनरेट द स्कोर कार्ड। ठीक है, तो आप लोग स्कोर कार्ड की जो PDF है ना वो थोड़ा सा संभाल के रखना। बाकी ये सर्टिफिकेट्स की डिटेल्स वगैरह हैं। इसके बाद सिलेबस स्टार्ट हो गया। सिलेबस का मैं डिस्कशन कर ही चुका हूँ, सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, है ना। जितने भी टेस्ट पेपर्स हैं 30 टेस्ट पेपर्स उनका सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। हमने पहले भी देख लिया सिलेबस, तो ये वही उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया इंफॉर्मेशन ब्रोशर में जो पहले रिलीज किया था। बाकी
मैं एक काम करता हूँ, कुछ और अगर नीचे आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है देख लेता हूँ एक बार। ये पूरा सिलेबस है बेटा, लास्ट में एक्सएक्स का ही सिलेबस आता है, एक्सएच एक्सएल। ठीक है, और कुछ डिस्क्लेमर्स दिए हैं, इम्पॉर्टेंट नोट वही लीगल वगैरह का दिया है। ठीक है, तो यही है, सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं, एंड ऑफ इंफॉर्मेशन ब्राउज़र। तो बेटा इसी तरीके से कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और आई विल ट्राई कि जब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा फिल होना तो आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाऊं, ताकि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई गलती ना करो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर।